गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे टू गुड न्यूज़ फॉर यू। आज की जो खबर है आपके लिए बहुत ही अच्छी है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एमपी पीएटी और इंडियन पोस्ट कार्ड जो है एडमिट कार्ड आ चुके हैं, उन्हें किस तरीके से डाउनलोड करना है आपको, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। आप देखते रहिए वीडियो को। और उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स इसी के माध्यम से मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की साइट पे, जो कि मैंने ओपन कर रखी। आप डालें ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड डॉट जी ओ वी डॉट इन डालेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। और यहाँ पर आपको साइड में दिखेगा न्यूज लेटर में लिंक फॉर द प्रिंटिंग ई एडमिट कार्ड फॉर द असिस्टेंट कमांडेंट 101/2020 बैच अवेलेबल। इस पर क्लिक जैसे करोगे आप, क्लिक करने का तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। और आपको यहाँ डालनी होगी अपनी ईमेल आईडी या फिर आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो डालने के बाद आप सीधा गेट डिटेल करोगे और आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा और उसे आप प्रिंट कर पाओगे। जैसे आप रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालोगे यहाँ पर, डालने के बाद आपका जैसे गेट डिटेल करोगे तो अगर आपका नहीं हुआ होगा तो आपको इस तरीके लिख के आया प्रिंट एप्लीकेशन सॉरी यू आर नॉट मीटिंग्स शॉर्ट लिस्टेड, मतलब आपको शॉर्ट लिस्टेड में नहीं आए हो और आपका एडमिट कार्ड नहीं निकलेगा। अगर आपका एडमिट कार्ड यहाँ से निकल जाता समझ लो आप शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हो। इसमें मेरिट के आधार पर जो अपने परसेंटेज के आधार पर शॉर्ट लिस्टेड होता है और उस तरीके से आप निकाल पाते हैं। स्पेशली एक चीज़ का स्पेशल ध्यान रखें, आप जो एडमिट कार्ड है वो आप 24 तारीख से 10 तारीख तक डाउनलोड कर पाएंगे और इसके बाद आप एक दिन बाद भी डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ आप जरूर 10 तारीख तक ही डाउनलोड कर लें, नहीं तो फिर बाद में आप पछताओगे, ठीक है। और इसके बाद आप आता है आपका जो लोगों पीएटी का फॉर्म भरा हुआ है तो पीएटी का एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड करना है, तो सबसे पहले हमें डालना है यहाँ mp.nic.in डालने के बाद एंटर करोगे। एंटर करने के बाद आपके सामने जो नया इंटरफेस इस तरीके का खुल के आएगा, जो पीबी की साइड रहेगी। सॉरी अभी प्रॉब्लम कर रही है, मैंने फिर से क्लिक कर दिया है, सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गया था और ये मिस्टेक जी ओ बी करना था, एनआईसी कर दिया था और इसके कारण ये खुल जाएगा। pb.mb.gov.in पर खुलने के बाद यहाँ पर इंग्लिश पर क्लिक कर देना है या फिर हिंदी, जहाँ पे क्लिक करना चाहते हो। और सामने आपको दिख रहा है यहाँ पे एडमिट कार्ड प्री एग्रीकल्चर टेस्ट पीएटी 2019, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस इस तरीके से खुल के आएगा। यहाँ पूछेगा आपसे एप्लीकेशन आईडी, यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन आईडी डाल दी है और मैं डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ यहाँ पर, जो भी डेट ऑफ बर्थ है डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको सीधा यहाँ पर कैप्चा दिया है 41-8 और इसको माइनस कर देना है। जैसे ही माइनस करोगे तो आपका बचता है 8 माइनस किया तो 33 और इसको करने के बाद आपको सीधा सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे सर्च पर क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा और उसमें आपको दिखाएगा आपका सेंटर कहाँ पड़ा हुआ है। अगर आपका 3 दिन बाद एग्जाम है तो आपका जो है प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो आपको सिर्फ सेंटर बता देगा, सेंटर सिटी बता देगा और कितने टाइम से आपका होने वाला है। तो इस तरीके से आप पीएटी के वो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही था, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बने रहिए इसी तरह मेरे साथ, माय डिटेल सेवा के साथ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।